अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। किश्तवाड़ में जो आग का हादसा आपसे कुछ देर पहले हुआ था, उसमें जो है वो तीन कार जो है वो जल गए हैं, जिनमें एक गाड़ी उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ और जो बाकी दो घर है उनको भी डैमेज हुआ, जबकि उसके साथ एक चौथा घर है उसमें आग थोड़ी सी लगी थी लेकिन उसको जो है वो बुझा लिया गया। इसमें किश्तवाड़ के नौजवान हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से मुस्लिम कम्युनिटी से, एक बार फिर से जो है वो भाईचारे का सबूत दिखाते हुए यहाँ के नौजवानों ने जो है वो एक जुरतमंदाना जो है वो काम किया और इस आग को जो है वो बुझाया। मैं इसमें जो है वो कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा, जिसमें कुरान डार है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, आपने उसको हर हमेशा फेसबुक पेज पे भी देखा होगा, वो आग बुझाते हुए जो है वो जख्मी हो गए और जो जो फायर ब्रिगेड की पाइप थी वो जो है उन जब प्रेशर को वो हैंडल कर रहे थे उससे जो है नोजल से उनको सर में जो है वो चोट आई, वो ठीक है बिल्कुल। मोमेंटार जिसको आप जानते हो वो हमेशा जो है वो स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों में और वेट लिफ्टिंग में आगे आगे रहता है और आज उसने अपने जज्बात का मुजाहरा दिखाते हुए वो मकान के बीचों बीच जो है वो आग के बीचों बीच जो है वो आग बुझा रहा था। और इसके अलावा काफ़ी लोग थे, काफ़ी तादाद में जो है वो नौजवान थे, अबरार वाजा था वहाँ पर, बुरहान मीर था वहाँ पर, पुलिस के ऑफिशल्स वहाँ पर थे, नायब तहसीलदार शुहेब था, काफ़ी लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने हिम्मत करके जो है वो इस आग को बुझाया। हालांकि फायर ब्रिगेड सर्विसेज पर जो है इस वक्त सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पानी वहाँ पर मौजूद नहीं था, फायर ब्रिगेड को आने में देर लगी, पाइप बिछाने में देर लगी, तब तक जो है वो आग ज़्यादा फैल गई और लोगों ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, पुलिस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया और फायर सर्विसेज के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। मैं आपको बता दूँ कि किश्तवाड़ बेशक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस रखता है लेकिन यहाँ पर जो फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसका एक हेड जो है वो एक हेड कांस्टेबल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी नॉन सीरियस है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आए दिन फायर इंसिडेंट होते हैं। हालांकि CRPF, आर्मी, NHPC से भी जो है वो सर्विसेज ली गई लेकिन उनको कुछ टाइम लगा मोबिलाइज होने में। और मैं बता दूँ कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इस वक्त जब ऐसी तरह की सिचुएशनें होती है वहाँ पर जो है वो गलत जो है वो मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि SSP को के सामने जो है SSP के खिलाफ नारे लगाए गए और SSP ने लोगों से अपील की कि आप मेरे खिलाफ बाद में प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन पहले आग बुझाने दीजिए, क्योंकि वो प्राइम कंसर्न था। जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आई, जो जामिया मार्केट में गाड़ियाँ जो पार्क थी जिसकी वजह से जो है वो रोड बंद हो गया था और फायर ब्रिगेड जो तकरीबन 200 मीटर नीचे उतर सकता था और जो पाइप वहाँ तक बिछाई गई थी उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर बनता, लेकिन क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो जामिया मार्केट में जो है वो पार्क की गई थी जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर जाम था, मोटरसाइकिल्स थे, अनक्लेम्ड मोटरसाइकिल उस वक्त थे और फिर फायर ब्रिगेडर जो है वो वहाँ उतर नहीं सका, उसके लिए भी जो है वो टाइम लगा। पानी की कमी हो गई और क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी और पानी जो है वो वेस्ट हो गया, फिर इस्लामिक स्कूल में जो है वो की टंकी को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। वहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेडर के एम्प्लाई है, उसने जो है वो वहाँ पाइप रखी, जब वो ऊपर से टंकी को ढक्कन खोल रहा था नीचे से पाइप गायब हो गई और वो ढूंढता रह गया। दरअसल पूरी मिसमैनेजमेंट थी आज जो देखने को मिली, लोगों का गुस्सा जायज़ है लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो है वो हम ही जो है वो ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जो ये गलियां हैं हमारी किश्तवाड़ की गलियां काफ़ी तंग हैं और फायर गैप्स नहीं रखे गए हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आज मकानों के बीच में फायर गैप होते तो कम से कम जो है वो एक मकान में अगर आग लगी होती तो बाकी मकान जो है वो बच सकते थे। एनक्रोचमेंट है सड़कों की, हम देख रहे हैं कि जब हम जामा मस्जिद मार्केट में उतरते हैं ऊपर से 20 फुट सड़क है, जब हम नीचे आते हैं जो ये अमर मार्केट है जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर जो है वो 10 फीट है, फिर जब हम नीचे लिटिल एंजल स्कूल के पास पहुँचते हैं जो जो डॉक्टर अजय साहब का घर है जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर 5 ही फुट गली है, जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ पर 6 फुट गली है। तो आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक सड़क ऊपर से 20 फुट है और नीचे पहुँचते पहुँचते जो है वो 5 फुट पहुँच रही है तो वहाँ गाड़ी कैसे जाएगी। अब हम लोगों को जो है सिर्फ गुस्सा ही नहीं करना है, सिर्फ नारेबाजी नहीं करनी है या DC को या SSP को ब्लेम करना है, मैं शाबाशी देना चाहूँगा SHO को और DSP हेडक्वार्टर को जो लीड कर रहे थे और SSP खुद मौजूद थे और SS कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिस वक्त ये आग की रिपोर्ट आई उस वक्त मैं और SSP साहब जो है वो साथ में थे, SSP साहब ने विद इन 5 मिनट जो है वो SDRF को
पुलिस के वाटर टैंकर्स, पुलिस की नफरी और आर्मी को जो है वो फौरन मोबिलाइज किया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि जामिया मस्जिद की गली पूरी पैक्ड थी और जो फायर ब्रिगेड है वो उतर नहीं सका, जिसकी वजह से जो है वो पाइप की जो लेंथ जो स्पेन था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और पानी में जो है वो प्रेशर नहीं बना, जिसकी वजह से आग को हम वक्त पे जो है वो काबू नहीं पा सके। मैं आपको बता दूं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हो, जब पिछले दिनों डार मोहल्ला में जो इधर पर भगवान मोहल्ला में आग लगी थी, उस वक्त भी जो है वो हम उस वक्त भी जो है वो प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो गलियाँ काफ़ी तंग थी, फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पाया था क्योंकि हम जो है वो सिस्टमेटिकली चल नहीं रहे। हम 1.5 करोड़ का मकान बना सकते हैं लेकिन 50,000 के फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो घर में नहीं रख सकते, ताकि आग बुझा, अगर कभी इस तरह का आग का हादसा हुआ तो प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। अगर हम 1 करोड़ का मकान बनाते हैं, 50,000 का फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने में क्या है? और घर में जो है मेरी लोगों से अपील है कि वो फायर जिस तरह से होटल में और स्कूल्स में फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते, वैसे ही घर में भी जो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स रखे, वाटर टैंक्स रखे और उसमें जो है वो मोटर जो है वो आप घर में ज़रूर रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो काफ़ी घर है यहाँ पर वहाँ पर मोटर्स नहीं है और वक्त पर वो चलती नहीं है। आप मोटर का बटन जो है वो इन्वर्टर पर रखें, क्योंकि इस हालत में जो है बिजली बंद होती है तो वहाँ पर मोटर चलाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम इस वक्त जो है इस बात को सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि किसकी गलती थी, क्या फायर ब्रिगेडर वालों की गलती थी? बिल्कुल, यहाँ पर जो नाकारा फायर ब्रिगेडर का सिस्टम है हम जो है उसको भी ब्लेम करते हैं, लेकिन जो जैमिंग थी, जो गाड़ियाँ पार्क हुई थी यहाँ पर, जो रॉन्ग पार्किंग थी गाड़ी की, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेडर जो है वो नीचे नहीं उतर पाया, वो भी एक जो है वो वजह है। अब हम जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले दिनों हमने हॉस्पिटल की खबर की, स्कूल्स की खबर करते हैं, हम रोड्स की खबर करते हैं, और आज हमें इस बात की हैरानी हुई है कि कुछ चंद मुफाद परस लोग जो है वो मीडिया के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जैसे जो डिप्टी कमिश्नर हो या हमारा जो ये सिस्टम हो, हम उनके साथ मिले हैं और वो हमारे कहने पर ही या हमारे ही डिस्पोजल पे। ऐसी बात नहीं है, हम भी एक सिस्टम का हिस्सा है और हम वक्तन फवक्तन जो है लोगों के इश्यूज जो है हाईलाइट करते हैं और करते आएंगे, और हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस तरह से के मुफाद परस लोग जो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से जो है वो माहौल को ख़राब किया जाए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो इसको देखें। और मैं फिर से, आज जो नौजवानों ने यहाँ पर रोल निभाया है इस आग को बुझाने में, जिसमें मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, चाहे वो बुरानदार हो, मोमिन हो, बुरान मीर हो, या अबरार वाजा हो, या बाकी लोग नायब तहसीलदार थे, हमारे DSP हेडक्वार्टर थे, हमारे SHO जो नए आए हैं परवेज खांडे वो मौजूद थे, SSP खुद था, DSP ऑपरेशन विशाल थे मौजूद, सब लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की टीम थी, आर्मी की टीम थी, CRP ने मदद की, NHPC ने मदद की, पुलिस ने मदद की, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है वो इस वक्त जो है वो एक अच्छा रोल निभाया और आग बुझाने में मदद की, क्योंकि अगर ये आग फैलती तो इस मोहल्ले में जो है 50-70 के करीब घर जो है वो खाकस्तर हो सकते थे और बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हो सकता है। मेरी लोगों से इस वीडियो के जरिए फिर से अपील है कि वो अपने मोहल्लों में और अपने घरों में जो है वो फायर सेफ्टी के नाम जो रूल्स हैं उनको ऑडिट करें, और अगर खुद जो है वो 50-60,000 के फायर एक्सटिंग्विशर मिलते अगर खुद नहीं खरीद सकते, कम से कम मोहल्ले में 4-5 उस तरह के रखें कि अगर मोहल्ले में कभी कभार इस तरह का हादसा होता है, जब तक फायर सर्विसेज या बाकी जो रिस्पांस टीम वहां पर पहुंच जाए उनका इस्तेमाल जो है वो तब तक किया जाए और आग को बुझाया जाए। अभी इस पर जो है वो हमारी नज़र रहेगी, हम इसमें पब्लिक्स के भी बाद में रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, हम बुरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो जख्मी हुआ है। इस तरह के हालात में मैं फिर से लोगों को अपील करता हूँ, सब्र तामुल का काम किया करें और प्राइम कंसर्न जो है वो होना चाहिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, न कि इस तरह से कि पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाए, मीडिया के खिलाफ नारे लगाए। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम भी एक सिस्टम का हिस्सा है, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो जाए, वो आगे पीछे भी इनकी बातें करें, न सिर्फ कि आज आग लगी तो फिर जो है वो उसी वक्त प्रोटेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर घरों में भाग जाएंगे और कुछ भी करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।